तो ऑलराइट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फिर से एक बार मैं मित्तल मेहता आप सबका आज के इस सेशन के अंदर हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग नाउ आई नो दैट बहुत ही लंबे समय से मैं सेशन में नहीं कर पा रहा हूं uh, मेरे लेक्चर्स जो है वो नहीं आ पा रहे हैं लेकिन ये जो स्विंग ट्रेडिंग का जो सेशन है इसको मैं एक लंबे समय से मैं सोचा था कि मैं इसको मैं करूं क्योंकि अगर आप एक इनिशिएटिव हमारा देखेंगे जो आस्क मी वाला इनिशिएटिव था अब आस्क मी वाले सेशन के अंदर इन इनिशिएटिव के अंदर हमने आप लोगों से सवाल पूछे कि आप क्या सुनना चाहते हो क्या सीखना चाहते हो

हम अलग अलग तरीके से हम स्विंग को समझने की कोशिश करेंगे कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे कुछ टूल्स देखेंगे ऑब्वियसली एवरीथिंग वुड बी फ्री आपसे आपको कोई एडिशनल चीजें यहाँ पे परचेज करने को नहीं कहा जाएगा तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस सीरीज के अंदर जिसका जो हमने नाम दिया है दैट इज स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फाइव स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेकिन आप लोग एक चीज तो जानते ही हैं कि जब भी आप मेरे सेशन के अंदर आओगे तो आपको मिलेगा उम्मीद से रुकना तो मैं यहाँ पे मैं पांच यू नो स्विंग स्ट्रैटी पर मैं नहीं रुकूंगा आई एम प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस सम मोर स्विंग समजीज आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर यू नो स्विंग ट्रेडिंग के टूल्स इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजीज इंफॉर्मेश्सर यू कैन कॉल इट तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो आई यू गाइज रेडी राइट क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आप करने वाले हैं तो आई यू गाइज रेडी टू टेक एक्शन जस्ट राइट रेडी इन अ कॉमेंट सेक्शन जस्ट सो दैट मुझे पता चले

And EA session, it will remain in the YouTube. Do not worry, you can access this lectures uh whenever you want to. Alright, so just write ready in a comment section. Alright, everyone, can you please write ready? <coughs> Alright, wonderful. Thank you. Thank you so much. So let me just try to uh share you my अः स्क्रीन जहाँ पे हम ये सारे स्ट्रेटेजीज और इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं सो so, मैंने छह स्ट्रेटेजीज तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं बट इट इज नॉट लाइक सिक्स स्ट्रेटेजीज ही होंगे आई एम आल्सो गोइंग टू ऐड सम मोर थिंग कुछ और स्ट्रेटजीज के ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं सो स्विंग ट्रेडिंग जो है ना ये आपको याद रखना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ये ये कोई बेसिक टॉपिक नहीं है अपने आप में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आपको सबसे पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्राइस एक्शन की स्विंग की ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हम प्राइस को नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली हम स्विंग को नहीं समझ पाएंगे बिकॉज स्विंग क्या है स्विंग एक प्राइस का मूवमेंटम है राइट प्राइस right? अगर ऊपर ऊपर जा रहा है तो जहां से शुरू हुआ और वहां से अंत हुआ ये प्राइस का जो मोमेंटम है उसको हमने नाम दिया है स्विंग तो स्विंग का बेस क्या है स्विंग की रूट क्या है स्विंग की जड़े क्या है स्विंग का जो बेस है स्विंग का जो रूट है स्विंग की जो जड़ें हैं वो है आपका प्राइस और राइट तो हमें प्राइस को समझना पड़ेगा और जैसे ही हम प्राइस को समझेंगे ये स्विंग ऑटोमेटिकली हमें समझ में आने लगेगा ऑलराइट सो आई इंसिस्ट ऑल ऑफ यू यू नो यू शुड मेक सम नोट्स नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग यहाँ पे नोट्स बनाए एंड जो नोट्स आप बना रहे हैं आई इंसिस्ट ऑल ऑफ यू यू नो आप यहाँ पे नोट्स जो है उसको बनाते रहिए और उसके साथ उस नोट्स को आप अपने फ्रेंड्स uh, में आपके नियर एंड डियर वंस को आप शेयर करिए राइट सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम दिस इनिशिएटिव राइट सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक एंड सिंपल थिंग अबाउट द स्विंग राइट तो स्विंग के बारे में जानने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं बेसिकली दिस आर द सेवन पॉइंट्स मैं वन बाय वन पॉइंट सारे आपके सामने मैं ओपन करता हूँ और हर एक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ All right, now the first and very very important thing, swing के बारे में जो हमें समझना चाहिए अगर आप देखोगे technical analysis में जब हम chart treat करते हैं कोई भी time frame आप देखोगे आप एक minute देखो पांच minute देखो पंद्रह minute देखो हर एक time frame में swing होते हैं लेकिन हर एक time frame के जो swings हैं they are independent

निफ्टी uh, को ही देख लेते हैं इट वुड बी मोर कंफर्टेबल देखो ये मेरे चार चार्ट का सेटअप है हम आज के सेशन में हम ये भी देखने वाले हैं दैट uh, आपको अपना टर्मिनल जो है उसको मैनेज कैसे करना चाहिए right? एक टर्मिनल जो है आपका जो स्क्रीन है वो कैसा दिखना चाहिए वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं सो इफ यू वांट इंफॉर्मेशन ऑन द टर्मिनल और हाउ टू यू नो मैनेज एंड मेंटेन मेंस्ट राइट टी ई आर इन अ कमेंट सेक्शन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट राइट टी ई आर राइट right. अगर आप चाहते हैं कि मैं टर्मिनल <coughs> इसे हम टर्मिनल कहेंगे जहां पे हम चार्ट एनालिसिस करते हैं ट्रेड करते हैं स्विंग करते हैं इसको हम टर्मिनली करेंगे तो जस्ट राइट टी आर इन कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग टर्मिनल जो है इसके ऊपर एक यू नो आज के ही इस सेशन में आप चाहते हैं या नहीं राइट आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव ऑल योर बट लेट मी जस्ट गो इन द सिंपल निफ्टी राइट सो लेट मी जस्ट यू नो गो इन टू द निफ्टी क्या करता हूं आई जस्ट कम ऑन निफ्टी फ्यूचर फ्यूचर आई गेस राइट सो ये है हमारा निफ्टी फ्यूचर राइट अब देखो इस निफ्टी फ्यूचर के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ चीजें आपको बड़ी क्लियर आपको अच्छे तरीके से होंगी और राइट अगर मान लीजिए आई एम ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम राइट right, ये मेरा टाइम फ्रेम है और ये ये वाला जो टाइम फ्रेम है दैट इज माय फिफ्टीन मिनट कौन सा टाइम फ्रेम है ये है मेरा मिनट मिनट अब ये 15 minute के टाइम फ्रेम को अगर आप ध्यान से से देखोगे तो आज से कुछ दिन पहले राइट आई थिंक ऑन द थर्सडे थर्सडे को ये वाला जो थर्सडे है ये गुरुवार वाला दिन है थर्सडे ये वाला हमारा जो है इट इज अ फ्राइडे एंड आपको पता है सैटरडे को एक सॉरी आई एम रॉन्ग सॉरी दिस इज अ सैटरडे दिस इज अ फ्राइडे दिस इज थर्सडे एंड दिस इज वेनसडे तो हमने यहाँ पे वेनेसडे को क्या देखा था कि पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने एक यहाँ पे एक ब्रेक डाउन का अटेम किया नाउ right? आप लोग मुझे पूरा विश्वास है कि चार जो टर्म है इसको अच्छे तरीके से आप जानते होंगे ब्रेक ब्रेकआउट ब्रेकआउट कब होता है जब भी कोई स्टॉक आपका रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है उसे कहते हैं ब्रेकआउट और जब भी ब्रेकआउट आए वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का ट्रेड ले सकते हो दैट इज बाय बाय एंड बाय राइट दूसरा जो होता है टर्म दैट इज कॉल ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन यानी क्या जब भी आपका कोई स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाए तो उसे कहते हैं ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन पे क्या किया जाता है ब्रेकडाउन पे सिर्फ और सिर्फ सेल किया जाता है जब भी मेरा कोई स्टॉक सपोर्ट के पास हो और राइट right? देखो सपोर्ट जो है ना दो तरीके के होते हैं एक जो आपका सपोर्ट होगा वो आपका मेजर सपोर्ट होगा एंड दूसरा जो सपोर्ट आपका होगा वो माइक्रो होगा ये दोनों के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं बट दोनों सपोर्ट के पास जब भी हमारा स्टॉक है तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके का ट्रेड लेना है दैट इज बाय बाय एंड बाय राइट रेजिस्टेंस में हम जाएंगे तो अगेन रेजिस्टेंस में दो तरीके के ये बिल्कुल जैसे हमने ऊपर लिखा आपका मेजर राइट right? और दूसरा जो है दैट इज माइक्रो राइट ये दोनों होते हैं और रेजिस्टेंस के पास भी आपको सिर्फ और सिर्फ सेल की पोजीशन ही आपको लेनी होती है तो सेल की पोजीशन आप कब लेंगे जब आपका जो स्टॉक है वो या तो रेजिस्टेंस के पास है या तो इसने ब्रेक डाउन दिया तभी आप यहाँ पे सेल की जो पोजीशन है ये आप बनाओगे इसके अलावा आपको सेल की पोजिशन कहीं पे भी बनानी नहीं है राइट right? और बाई की पोजीशन तब आप बनाओगे जब आपका जो स्टॉक है वो सपोर्ट को रिएक्ट कर रहा है देखिए पहले इंतजार करें कि क्या वो सपोर्ट को रिएक्ट कर रहा है या नहीं सपोर्ट को वो इम्पोर्टेंस uh, दे रहा है या नहीं और राइट प्राइस जैसे ही सपोर्ट पे आए इमीडिएटली टूटना नहीं है इमीडिएटली अरे ले लो ले लो मह रह गया ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए यू नो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कंफर्मेशन लेने की कोशिश करनी चाहिए और फिर ट्रेड लेना चाहिए तो अगर हम सपोर्ट के पास थोड़ा सा इंतजार करके ट्रेड लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं उसे वहाँ पे सॉरी करना कहते हैं। और दूसरा कब किया जाता है दूसरा कब तब किया जाता है जब आपका जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट को यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा हो तो जब आपका स्टॉक ब्रेकआउट को यहाँ पे अटेम्प्ट करे तो भी आप यहाँ पे बाई कर सकते हो न इसके अलावा एक और एक तरीके का एक आपका प्राइस आपको आ, मिलेगा अब ये प्राइस कहां पे होगा ना ये प्राइस आपके रेजिस्टेंस के पास होगा ना ये जो प्राइस है ये आपके सपोर्ट के पास होगा ये या तो रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा होगा या तो सपोर्ट को अप्रोच कर रहा होगा या बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा सो मैं इसे कहता हूं कहता हूँ हवा में लटकने वाला प्राइस अब जो प्राइस हवा में लटक रहा है ना ना जो सपोर्ट के पास है ना वो रेजिस्टेंस के पास है इस तरीके के अगर आप प्राइस के ऊपर कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी आपका रिजल्ट आपका परफॉर्मेंस आपकी प्रॉफिट प्रोबाइड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी यू नो मेंटल हेल्थ ये सारी चीजें खराब होने वाली है क्योंकि अगर प्राइस ने खुद ने डिसाइड किया नहीं है कि उसको ब्रेकआउट देना है या ब्रेकडाउन देना है सपोर्ट लेना है या रेजिस्टेंस लेना है अब जब प्राइस ने ही डिसाइड नहीं किया और अगर मैं उसमें मैं ट्रेड लेके मैं सीधा मैं घुस जाता हूं तो ये तो मेरी मन मर्जी हुई दैट अवर रोल एज अ ट्रेडर हमारा रोल क्या है और राइट right? एक ट्रेडर के नाते हमारा जो रोल है वो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट है और हमारा रोल ये है कि जो प्राइस हमें कहेगा हम उसे फॉलो करेंगे और राइट right? क्योंकि भाव भगवान है हमारे गुजराती में कहावत क्या है भाव भगवान है और यानी प्राइस जो है वो भगवान है ईश्वर है तो हम कभी भगवान के विरुद्ध तो जाते नहीं है तो भाव के विरुद्ध भी हमें नहीं जाना चाहिए अच्छा हमारे अंदर वो शक्ति भी नहीं है कि हम प्राइस के अगेंस्ट में जाए राइट right? हम कोई एफ आई आई तो है नहीं कि एक सेंटीमेंट के अगेंस्ट में हम जाके बिकॉज बेस्ड ऑन द मनी पावर हम प्राइस को मेन्यपुलेट कर पाए तो वी आर नॉट इन अ सिचुएशन वेयर वी कैन मैन्युपुलेट प्राइस हम मैन्यूपुलेट नहीं कर सकते तो मुझे क्या करना पड़ेगा इफ आई कैन नॉट मैन्यट देन आई हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इज टू फॉलो राइट अब मुझे प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा अब प्राइस को फॉलो करना यानी क्या वेट <coughs> करना इंतजार करना इस दुनिया में मेरे हिसाब से जितने लोगों ने पैसा बनाया राइट और मोर देन पैसा बनाया आई वुड से जो लोग पैसे वाले बने और पैसे वाले रहे राइट टू बिकम रिच इट इज वेरी इजी टू बिकम वेल्थी इट इज वेरी रिस्की इट इज वेरी हार्ड तो जितने लोग वेल्थी हैं उन सभी लोगों ने जीवन में एक चीज के ऊपर महारत हासिल की है दैट इज टू हैव पेशेंस और राइट आप चाहे किसी भी बिजनेस में हो किसी भी फील्ड में हो किसी भी काम में हो आप जॉब कर रहे हो आप बिजनेस कर रहे हो या आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो व्हाट यू वॉन्ट टू डू और आर यू आर डूइंग वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टू हैव पेशेंस राइट हाउ मेनी जस्ट राइट ए वन इन अमेंट सेक्शन राइट पेशेंस के बिना तो कुछ नहीं होगा इफ यू एग्री विद मी जस्ट राइट ए वन इन कमेंट सेक्शन हम जैसे मान लीजिए जॉब हम करते हैं तो जॉब में भी हम पेशेंस रखते हैं ना हम बिजनेस करते हैं मान लीजिए आधा दिन हो गया और अब तक uh, मुनाफा नहीं हुआ गरागी नहीं आई तो हम पेशेंस रखते हैं ना हम सीधा कोई दूसरा बिजनेस तो करने नहीं लग जाते तो पेशेंस जो हम रियल लाइफ में हमारे पास है भरपूर मात्रा में है और राइट वी ओनली नीड द सेम पेशेंस हियर इन द स्टॉक मार्केट इफ यू एग्री विथ मी जस्ट राइट ए वन इन अ कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो मुझे आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हो डू यू बिलीव दट मेजोरिटी जस्ट राइट राइट स्टॉक मार्केट में जो भी हम नफा नुकसान करते हैं राइट right, उसमें से जो लोग ज्यादा नुकसान करते हैं क्या आप ये आप ये मानते हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पेशेंस कहीं ना कहीं पेशेंस कम है कहीं ना कहीं इंतजार नहीं हो पाता कहीं ना कहीं हम यू नो वी वी आर नॉट एबल यू नो काम राइट हाउ यू एग्री जस्ट राइट एग्री इन कॉमेंट सेक्शन जहां तक मैं जानता हूं जहां तक मैं समझता हूं अगर मैं जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कभी किसी दिन होता है ना कि चुन मचानी है राइट right? कोई कभी किसी दिन मन होता है कि अरे यार तो तोड़ देंगे फोड़ देंगे

सो वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी टाइम फ्रेम हैज इट्स स्विंग और राइट जैसे मान लीजिए कि ये मैं निफ्टी के अंदर मैंने आपको यहाँ पे लेके गया और मैं आपको यहाँ पे ये यह समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि जैसे अगर आप यहाँ पे निफ्टी देखो तो इस जगह पे निफ्टी ने क्या दिया है ब्रेकडाउन अब ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टॉक है और राइट right? वो यहाँ से गिरने वाला है अब ब्रेकडाउन का मतलब यहाँ पे क्या होता है शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए बट ये सेम निफ्टी को अगर आप यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे राइट डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पे ये रहा अगर आप ये डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको तो पता चलेगा कि अरे यार ये तो मेरा सपोर्ट काफी दूर है जिस सपोर्ट के ऊपर मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूँ जैसे हमने इस कैंडल का जो लो है इसको सपोर्ट के नाते हमने देखा था तो ये जो लेवल है ये तो इतना रिलायबल नहीं है राइट क्यों रिलायबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है लेकिन ब्रेकआउट हमें क्या बताता है कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना तो हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है तो यही चीज स्टॉक मार्केट के अंदर होती थी होती है एंड <coughs> होती रहेगी इस चीज को आपको हमेशा से याद रखना है और एवरी टाइम फ्रेम ट्रेड तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर मैं कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करूं राइट right? मैं पांच मिनट देखूं मैं देखूरा मिनट देखूं मैं घंटा देखूं दो घंटा देखूं डेली वीकली मंथली क्वार्टरली देखूलीकलींथली क्वार्टरलीयरली मैं कौन सा टाइम फ्रेम का मैं चार्ट देखूं तो आंसर इज यहां पे आएंगे हम उस पॉइंट के ऊपर भी आएंगे डू नॉट वरी लेकिन right? हमें यह समझ रहा है कि हर एक टाइम फ्रेम के अपने अपने स्विंग है अब ये स्विंग को आप समझिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो ये स्विंग को समझिए वॉट इज स्विंग और जब भी मेरा प्राइस टूट के राइट right, यानी जो प्राइमरी मेरा जो ट्रेंड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब प्राइस एक्शन दे तो राइट प्रीवियस ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब प्राइस एक्शन होगा तब जहां से वो शुरू हुआ होगा प्राइस एक्शन उसे एसपीआर कहते हैं राइट एंड जहां पे वो खत्म होगा तो उसे ईपीआर कहते हैं राइट लिख लीजिए एसपीआर एंड ईपीआर एसपीआर यानी क्या एस पी आर यहां पर मैं लिख देता हूं एक रैली की शुरुआत जहां से होती है उसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं ईपीआर e क्या ईपीआर सिंपल एंडिंग पॉइंट ऑफ अ रैली अब देखो यहां पे खूबसूरती क्या है कि जो ये स्विंग का एंडिंग पॉइंट है वो अगले स्विंग का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है तो एवरी ईपीआर पी इज नन अदर देन एस पी ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्राइस एक्शन अब अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ तो मेरा प्राइस नीचे आ रहा था यहाँ तो हमारा प्राइस गिर रहा था यहाँ से मेरा प्राइस क्या है ऊपर आने की कोशिश की यानी एक रिवर्सल हमने यहाँ पे देखा राइट

एस पी आर ई पी आर वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी और अगर आप एस पी आर ई पी आर देखोगे तो और एक चीज को आपको ध्यान रखना है जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर इफ आई कॉल दिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रैली अगर ये दो को मैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रैली में कहता हूँ तो हर एक टाइम फ्रेम के जो स्विंग होंगे उसकी स्विंग साइज डिफरेंट होगी जैसे यहाँ पे ये जो मेरा स्विंग बना है और ये जो मेरा स्विंग बना है

ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ये पॉसिबल है ही नहीं इट इज आल्सो इम्पॉसिबल कि जो स्विंग साइज है उससे ज्यादा का आप प्रॉफिट कमा सको राइट right? अगर यहाँ पे मान लीजिए कि पांच परसेंट का स्विंग साइज है तो मैक्सिमम यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू नो अर्निंग मनी दैट इज ओनली फाइव परसेंट उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती अब आप, आप कुछ भी कर ले स्विंग से ज्यादा तो आप कमा नहीं सकते देखो लेके करना और उस तरीके से कमाना मैं मैं उसके ऊपर नहीं आपको ये समझना चाहिए कि मैक्सिमम पोटेंशियल अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और चार्ट और टाइम फ्रेम राइट अब देखो जितने बड़े लोग होते हैं जितने पैसे वाले लोग होते हैं वो क्यों बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं जैसे मैं Uh, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं डेली के अलावा मैं किसी और टाइम फ्रेम पे मतलब डेली के नीचे वाले किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता राइट right? हाँ मैं अपनी एंट्री को एम्पलीफाई करने के लिए आऊंगा बट मेरा जो ट्रेड होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द स्विंग्स ऑफ डेली और द हायर टाइम फ्रेम अब उसका इंटेंशन क्या है इंटेंशन इज वेरी सिंपल मेरा ये काम करने का तरीका है मेरा एक ट्रेडिंग अप्रोच है कि मैं अपने ट्रेड को कम से कम रखूं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग माई नंबर ऑफ ट्रेड्स राइट right. मैं इंटरेस्टेड हूँ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी पर पॉट्रेड मेरा जो ट्रेड है उसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना ये एक मेरा इंटेंशन है अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ उसके लिए मैं अपने जो टाइम फ्रेम है उसको मैं बड़ा कर देता हूँ टाइम फ्रेम मेरा बड़ा हुआ तो नेचुरली मेरा जो स्विंग साइज है वो भी बढ़ जाएगा अब मेरा स्विंग साइज अगर बढ़ गया तो नेचुरली मेरी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी right. अब दूसरी चीज जो भी आपका बीस परसेंट कैच करूं मान लीजिए माइ माई प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग दैट इज ओनली टेन परसेंट इन द स्विंग राइट तो पांच परसेंट के टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो पांच परसेंट का दस परसेंट कितना हुआ उतना ही आप कमा पाओगे अब आप ज्यादा कमाना चाहते हो तो सिंपल आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओ क्योंकि अगर स्विंग साइज पांच परसेंट की जगह पे परसेंट हो गया तो नेचुरलीमेंट right? सेक्शन right, यहां तक जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है everyone, yes no? right? यहां तक जो भी चीज मैंने बताई इज इट क्लियर जस्ट राइट क्लियर इन अ कॉमेंट सेक्शन फटाफट से राइट right? तो जो स्विंग है उससे ज्यादा हम नहीं कमा सकते अब देखो एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी जो होता है ना वो उस स्विंग को कभी भी पूरा कैच नहीं कर सकता पूरा कभी भी कोई स्विंग को कैच नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पे समझ लीजिए अब देखो हमने अभी अभी दो कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन किया एक है हमारा एस पी आर और दूसरा है हमारा ई लेकिन प्राइस इतने प्यार से इतने आराम से तो रिवर्स होगा नहीं कभी भी होगा नहीं तो प्राइस क्या करेगा गिरते 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 हिचकोले खाएगा और हिचकोले खाते खाते धीरे धीरे फिर बढ़ेगा और राइट तो होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में वेन एवर यू आर टेकिंग ट्रेड और राइट तो एसपीआर के बाद का दस से लेके तीस प्रतिशत और ईपीआर के समय का दस से लेकर तीस प्रतिशत आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो रहा है राइट right, जब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं इसे इमीडिएटली ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहते उसको कहते हैं काउंटर ट्रेंड और राइट तो जो भी ट्रेंड है याद रखिए जो भी ट्रेंड है उसकी शुरुआत ऑलवेज काउंटर ट्रेंड से होगी कभी भी कोई स्टॉक सीधा ट्रेंड चेंज नहीं करेगा पहले वो ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश करेगा यहाँ पे शायद कंसोलिडेशन करे फिर ऊपर जाए या ऊपर आके आके फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे फिर यहाँ पे पुल बैक दे और फिर उसके बाद ऊपर जाए तो यहां पे आपको याद रखना है एवरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रैली इज फॉलोड बाय अ काउंटर ट्रेंड राइट अब यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से ऊपर जाएगा तो एकदम से गिरेगा नहीं स्मूथली तो ऐसे नहीं गिरेगा ना ऊपर जाते जाते थोड़े हिंच को लेकर आएगा और फिर यहाँ पे नीचे गिरेगा तो आप टेक्निकली देखने जाओ तो स्विंग का जो साइज होता है जैसे ये वाला साइज और ये वाला इसको आप कैच नहीं कर सकते इसको कभी भी कैच नहीं कर सकते इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि अगर स्विंग के अंदर यही टाइम होता है जब मेजॉरिटी मेजोरिटी आपकी जो ट्रैप है ये दो समय पे ही होते हैं राइट right? यानी जहां पे आपका स्विंग रिवर्सल होने वाला होता है है पे जो आपका प्राइस है, वो अपने प्राइमरी ट्रेंड को रिवर्स करने की अटेम्प्ट जब करता है कोशिश करता है उस समय मैक्सिमम आप देखोगे कि वहां पे ट्रैप आपके बनते हैं और ये जो ट्रैप आपके बनते हैं उसी जगह पे मैक्सिमम रिटेलर्स आर लूजिंग मनी हम उसी जगह लॉस करते हैं हम इस जगह लॉस क्यों करते हैं ये लॉस करने का हमारा रीजन बहुत सिंपल है हम लॉस इसके लिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बाई किया और इस जगह पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया एक छोटी सी कैंडल बनी मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर राइट सो बिकॉज वी आर अ ट्रेडर हु आर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एंड दिस आर द एरिया जहां पे ट्रेंड रिवर्स और काउंटर ट्रेंड वाला जो पार्ट है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ ट्रैप वहां पे होते हैं इसी रीजन से हमारे ज्यादातर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और इसलिए मैं अपने सेशन में हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी आपको ट्रेड करने की इच्छा हो और तो एक स्टॉक इसने लड़के मार के काउंटर ट्रेंड के बाद इसने जब अप ट्रेंड शुरू कर दिया हो तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना ये रियल मलाई है मलाई तो इधर ही है और right. यहाँ पे इस इस एरिया में और इस एरिया में यहाँ पे तो सिर्फ आपके लिए ट्रैप और ट्रैप है एक्चुअल एक्चुअल जो जो प्रॉफिट है मलाई खानी है वो तो हमें यहीं पे खानी है आर यू गेटिंग माय पॉइंट अब देखो होगा क्या मान लीजिए इफ हंड्रेड परसेंट इज माई स्विंग साइज जैसे यहां से लेके यहाँ तक अगर ये मेरा स्विंग साइज है तो मान लीजिए ट्वेंटी परसेंट यहाँ का गया निकाल दो और राइट ट्वेंटी परसेंट आप यहाँ का निकाल दो तो चालीस परसेंट तो निकल गया बचा आपके पास अब ये 60 में आप कितना कमा पाओगे बाद इस एरिया में मल्टीपल धोखे खाने के बाद एक्चुअल में जब पैसे कमाना होता है तो उस जगह पे रिटेलर्स वहां पे नहीं होते नहीं। और ये रिसेंटली स्टॉक मार्केट के अंदर हमने देखा कि जैसे हम यहाँ पे निफ्टी की हम यहाँ पे बात करें तो आ, यहाँ पे निफ्टी ने इफ इफ यू जस्ट लुक एट दिस एरिया दिस ए एरिया जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैप आपके बने हैं बार बार निफ्टी ने ये अनुभूति दिलाई कि यहाँ से मैं रिवर्स हो सकता हूँ यहाँ से आपका जो स्टॉक है ये रिवर्स हो सकता है हम नीचे जा सकते हैं <coughs> मंदी में जाने वाले हैं मुझे पता है इंटरनेट के ऊपर ढेरों लोग आते थे कि बस अब तो, तो तबाह हो गया अब तो मार्केट गिर जाएगा अब तो फलाना हो गया ढिमका हो गया सब लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ना पे कह रहे थे अब वो लोग क्यों कह रहे थे क्या वो लोग गलत है नहीं मैं किसी को सही या गलत में नहीं कह रहा हूँ लेकिन यहाँ पे प्राइस ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे हरकत की जिस कारण से लोगों के जो सेंटिमेंट है टूवर्ड्स बेरिस डायरेक्शन वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए अब मार्केट यहाँ पे क्या हो गया मार्केट यहाँ तो बुलिश हो गया अब मार्केट यहाँ पे बुलिश हो गया तो अब बायर तो कोई मार्केट में था ही नहीं right? और, और इसीलिए लोग यहाँ पे पैसा नहीं बना पाए सो प्राइस ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रैप आपको देता है मार्केट आपको ट्रैप दिलाएगा इस तरीके के सिनेरियो में मार्केट आपको ट्रैप देगा और इसीलिए ऑलवेज रिमेम्बर ऑलवेज एंड ऑलवेज जब भी ट्रेड करने का मन हो और right? आज से इसको आप एक नियम बना लीजिए जब भी आपको ट्रेड करने का मन हो आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो एनालिसिस करना चाहते हो प्रैक्टिस करना चाहते हो आप करिए मैं आपको उसमें ना रोकूंगा ना मैं टोकूंगा बस मेरा एक काम आपको करना है वो ये है कि आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड या एनालिसिस कर रहे हो उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर चले जाओ और उससे एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाओ आप उसमें देखो आप उसमें चेक करो कि आपको क्या दिख रहा है आपको क्या समझ में आ रहा है आप ये छोड़ दो कि आपको क्या देखना है जो भी आप जानते हो जितना भी आपका नॉलेज है जितना भी आपका एजुकेशन है आपका जितना भी एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दैट आप ये देखिए कि क्या आपको वहां पे उसी ट्रेड के डायरेक्शन में जो आप लेना चाहते थे कंफर्मेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मान लीजिए इफ आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रेड ऑन अ बाइंग साइड बेस्ड ऑन ऑनफ्टीन मिनट ऑफ टाइम टाइम आई मस्ट मेक श्योर के यही बाइक का सिग्नल मुझे छोटे टाइम फ्रेम में भी मिले और बड़े टाइम फ्रेम में भी मिले अगर तीनों टाइम फ्रेम में मुझे एक ही चीज अगर मुझे दिख रही है राइट right, तभी मैं ट्रेड करूंगा उसके अलावा ट्रेड नहीं करूंगा अगर ये एक नियम भी अगर आपने अपने जीवन में बना लिया ट्रस्ट मी आपके लॉस मेकिंग ट्रेड कम से कम 20 से लेके 30 प्रतिशत तक रिड्यूस हो जाएंगे और राइट right, अगर मान लीजिए अगर आप 10 लॉस वाले ट्रेड कर रहे हैं तो तीन से चार ट्रेड आपके रिड्यूस होने के पूरे के पूरे, पूरे चांसेस है और राइट जस्ट जस्ट राइट बलबॉन इन अ कॉमेंट सेक्शन एवरी जस्ट राइट बलबोर्न इन अ कॉमेंट सेक्शन राइट वंडरफुल देखिए आप सभी लोगों से एक मेरा आग्रह है कि ये व्हाट्सएप में फ्री वाला जो मैसेज है ना ये करना भूलना नहीं राइट right? फटाफट से फ्री लिख के मैसेज भेज दो क्यों mm. क्योंकि ये जो स्कूल वाला प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ये सारे सेशन जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे सेशंस आपको वहीं पे दिखेंगे। Uh, और उसके पीडीएफ हर एक सेशन के पीडीएफ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलने वाली है सो मेक श्योर कि आप इसको भूलिएगा नहीं आप यहाँ पे मेक श्योर कि फ्री लिख के व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए और राइट चलिए बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट अब तक मैंने आपको जो बताया ये इन्फॉर्मेशन को अगर आपको एक से लेके दस में नंबर देना पड़े तो आप कितने नंबर दोगे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इफ यू कैन प्लीज कॉमेंट कि अब तक मैंने आपको जो बताया इसको अगर एक से दस में नंबर देना पड़े तो आप कितने नंबर देना चाहोगे राइट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इफ यू कैन राइट इन अमेंट सेक्शन दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी राइट सो so, देखो यहाँ पे केतन जी का एक सवाल है कि डायमंड पैटर्न के बारे में बताएंगे आ, केतन जी किसी दिन इसके ऊपर भी हम जरूर डिस्कशन हम करेंगे बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की हाई टीज को समझिए और एंड जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जो हिमालय है वो बहुत सारी नदियों का एक उद्गम स्थान है और एंड और फिर आगे आगे चल के हर एक नदियों का नाम बदलते रहता है बिल्कुल इस तरीके से स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है राइट right, दो चीजें सनातन सत्य है इन अ टेक्निकल एनालिसिस इन अ स्टॉक मार्केट दैट इज फर्स्ट वन इज प्राइस एंड द सेकंड वन इज वॉल्यूम ये प्राइस एंड वॉल्यूम के बेस के ऊपर आपके नेक्स्ट क्या बने आपके इंडिकेटर्स बने आपके ऑसोलेटर्स बने आपके टूल्स बने और राइट बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन ऑसलेटर्स बेस्ड ऑन टूल फिर आपके क्या बना आपके थियरीज बने आपके चार्ट पैटर्न बने आपके कैंडल पैटर्न बने

माय इंटेंशन इज टू मेक यूर प्रोफेशनल ट्रेडर एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या है प्रोफेशनल ट्रेडर इंडिकेटर ऑसिलेटर टूल के ऊपर काम नहीं करता मान लीजिए कि आपके पास सौ करोड़ है आप सौ करोड़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या आप मूविंग एवरेज को लेकर ट्रेड करोगे सौ करोड़ रुपए क्या आप आर को लेकर सौ करोड़ रूपये ट्रेड करोगे या आप अपना कोई एक एडवांस साइकोलॉजी माइंड सेट लेकर ट्रेड करोगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके पास 100, 200, 500 करोड़ रुपए हो तो क्या आप इंडिकेटर आर एस के ऊपर ट्रेड करोगे एमएसईडी के ऊपर ट्रेड करोगे और आप कोई इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करोगे विल यू डू दैट जस्ट राइट यस नो इन कमेंट सेक्शन राइट आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल जी धन्यवाद को आप शेयर करिए क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर राइट आई एनसिस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज 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 ट्राई टू शेयर दिस एंटायर सीरीज टर से मैनेज हो सकता है बड़ा कैपिटल नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिट होती है जैसे हम कहते हैं ना कि एक वेट कैरिंग कैपेसिटी अगर मेरे पास फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर दो सौ पाँच सौ हजार किलो का वजन उठा सकती है लेकिन वो दस हजार किलो का वजन नहीं उठा सकती अगर कोई ट्रक है वो हजार किलो का वजन उठा सकता है लेकिन दस हजार किलो का वजन नहीं उठा सकता अगर एक ट्रॉली है तो वो दस हजार किलो का वजन उठा सकता है लेकिन पचास हजार किलो का वजन नहीं उठा सकता एक कार्गो एयरक्राफ्ट है तो उसकी भी कैपेसिटी है तो हर एक चीज की एक लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है तो इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स टूल इसके ऊपर दो पांच दस नॉट में

सो so, यहाँ पे मेहुल जी लिखते हैं ट्वेंटी परसेंट स्ट्रैटेजी आपकी बात बिल्कुल सही है right? क्योंकि क्योंकि इज इज मोर मैं बिलीव करता दैट स्टॉक मार्केट इट अ प्योर ब्रेन गेम ये दिमाग का खेल है और कुछ है ही नहीं हम स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं हम अपने हमारे दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं जो भी विचार आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं दैट्स एवरी थिंग वी आर डूइंग डूंगट वी आर डूइंग दैट इज डूंगूटली राइट अब देखो निफ्टी अगर आप वापस से देखो स्विंग को समझने की कोशिश करते हैं तो निफ्टी पिछले दिनों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रैप बेचा रहा था और इस समय मैंने आपको क्लियरली देखो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा क्या आप मुझे कह सकते हो कि मैं पिछले दो महीने से मैं लगातार कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट बैरिश नहीं है मैं ये हमेशा लिखता हूं ना आई एम नॉट बैरिश आई एम नॉट बैरिश क्या आपको याद है डू यू दैट आई ऑलवेज सेड आई एम नॉट रिमेम्बरिश इन स्टॉक मार्केट मैंने अपने लेक्चर्स में कहा मैंने अपने पोस्ट में कहा मैंने टेलीग्राम में मैंने कितने पोस्ट में निकाल दिए मैं जहाँ पे हर एक बार मैं लिखता हूँ कि मैं निफ्टी में बैरिश नहीं हूँ मैं निफ्टी में बैरिश नहीं हूँ अगर ये फलाना लेवल टूट जाएगा तभी मैं बैरिश रहूंगा तब तक मैं बैरिश में नहीं हूँ डू यू रिमेंबर क्योंकि अगर आपको वो याद है तभी आप यहाँ पे आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में मैं आपको क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आप वो तभी समझोगे All right, do you all remember कि मैंने आपको कहा था मैंने बार बार लगातार मैंने कहा था कि मैं बैरिश नहीं हूँ एंड ये आंसर मैं बैरिश नहीं हूं अब सवाल ये उठता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं बैरिश नहीं हूँ और राइट देखो मेरा जो एनालिसिस है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट मैं क्या कह रहा हूं मैं क्या नहीं कह रहा हूँ दैट इज नॉट नॉट मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूँ मैं क्या देख रहा हूँ इज मोर इम्पोर्टेंट अगर आप स्विंग को ध्यान से देखोगे तो एक स्विंग के अंदर क्या होता है एक स्विंग के अंदर होता है आपका हाई और दूसरा आपका लो होता है लो अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में अगर आपका स्टॉक जा रहा है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो मेरा प्राइस है वो हायर हाई एंड हायर लो के पैटर्न को फॉर्म कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जो मेरा स्टॉक का प्राइस है मतलब जो ट्रेंड है वो बुलिश है राइट <coughs> अगर मान लीजिए कि जो मेरा स्टॉक है वो नेगेटिव है तो वो क्या बनाएगा लोअर हाई एंड लोअर लो बनाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो स्टॉक है वो नेगेटिव है अगर हम यहाँ पे निफ्टी को ध्यान से देखें और अगर मैं इसे लो कंसिडर करूँ और राइट तो कैन आई कॉल दिस एज ए हाई कैन आई कॉल दिस एज ए हायर लो फिर ये हायर हाई high, यहां से और एक आपका हायर हाई high हुआ फिर आपका अगर इसको देखें तो ये हायर लो फिर एक यहाँ पे हायर हाई high, फिर हायर लो फिर हायर हाई राइट तो विद इन दिस सिनारी निफ्टी का रिवर्सल कब होगा निफ्टी का रिवर्सल कब होगा जब ये हायर लो वाला जो फॉर्मेशन है उसको ब्रेक करे और हायर लो low से लोअर लो low के अंदर आ जाए तभी तो कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल अब निफ्टी में ये जो हायर हाई high वाला पैटर्न है ये तो ऑलवेज इंटैक्ट था निफ्टी कभी भी हायर हाई high से लोअर लो फॉर्मेशन में कभी आया नहीं एंड बिकॉज निफ्टी कभी हायर हाई high से हायर लो हायर हायर लो से लोअर लो फॉर्मेशन में आया नहीं इसका मतलब मैं नेगेटिव तो मैं हो नहीं सकता अब देखो ध्यान से अब आप यहाँ पे देखिए गेम क्या है और राइट ऑपरेटर ने हमको यहाँ पे बेवकूफ कैसे बनाया ऑपरेटर ने मल्टीपल टाइम्स इन अ फिफ्टीन मिनट ऑफ टाइम फ्रेम छोटे वाले टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम्स में यहाँ पे लोअर लो बनाया जबकि बड़े वाले टाइम फ्रेम में यहाँ पे हायर लो बनाया अब हुआ क्या कि हम सारे ट्रेडर जो है वो छोटे टाइम फ्रेम दिखने वाले ट्रेडर हैं तो इससे होता क्या है कि हमारे मन में एक प्राइस की छवि बन गई कि अब ये प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला अब ये प्राइस नीचे ही जाने वाला है और इसीलिए हम तेजी के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे हम सिर्फ और सिर्फ मंदी के बारे में ही हम सोच पा रहे थे राइट right? तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि एवरी टाइम फ्रेम हैज इट्स ओन स्विंग और हर एक टाइम फ्रेम का जो स्विंग है वो आपको ये दर्शाता है कि उसका स्विंग साइज जो है उसके हिसाब से व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल दैट इज दूसराज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज एज यू रिड्यूस योर टाइम फ्रेम योर ट्रैप विल इंक्रीज और राइट आप अपना टाइम फ्रेम रिड्यूस करो मान लीजिए कि मैं ईयरली में देख रहा हूं तो ईयरली में बहुत ही कम आपको मान लीजिए ट्रैप मिलेंगे अगर मान लीजिए मैं मंथली देख रहा हूं तो ईयरली से थोड़े से ज्यादा मिलेंगे ट्रैप अब मैं डेली पे आ गया तो और ज्यादा ट्रैप मिलेंगे अगर मैं पंद्रह मिनट में आ गया तो और ज्यादा ट्रैप मिलेंगे अगर दो पांच मिनट में आ गया तो और ज्यादा ट्रैप मिलेंगे अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि सर वन मिनट ये मेरा ओके ओके सो यहां पे मैंने क्या बताया जैसे आप अपना टाइम फ्रेम एज यू रिड्यूस योर टाइम फ्रेम और राइट जो ट्रैप है दैट विल इंक्रीज और राइट तो जब आप जानते हो कि जब हम टाइम फ्रेम रिड्यूस करते हैं तो मेरे ट्रैप बढ़ते हैं तो भी सारी दुनिया क्यों यहाँ पे दो मिनट में पांच मिनट पे पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करती है आंसर इज वेरी सिंपल के एज यू रिड्यूस डाउन योर टाइम फ्रेम योर रिस्क अमाउंट विल रिड्यूस जैसे मान लीजिए कि अगर मैं दो मिनट के पांच मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूं अगर मैं निफ्टी में गलत भी गया तो मेरा लॉस कितना होगा दस पॉइंट होगा पंद्रह पॉइंट होगा मेरा लॉस कितना होगा दस पॉइंट होगा पंद्रह पॉइंट होगा लेकिन अगर यही मैं डेली के टाइम फ्रेम में गया और अगर मेरा कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो मेरा लॉस कितना तो 100 होगा सौ पॉइंट होगा दो सौ पॉइंट होगा और राइट अच्छा यही अगर मैं डेली की जगह पे लेट्स इफ आई गो इन मंथली टाइम फ्रेम

तो इस तरीके का जो है इस के कारण माइंड कमेंट सेक्शन अगर मैंने अभी आपको जो बताया इससे अगर आपके दिमाग में अगर आपके बल्बऑन हो चुके हैं अगर आपकी घंटियां बजने लगी हैं तो जस्ट राइट बल्बॉर्न इन अ कॉमेंट सेक्शन क्योंकि बहुत सारे रिटेलर जो है ना उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उतनी है मैं 200 पॉइंट का मैं 200 रुपए का मैं लॉस कर सकता हूं मैं 500 पॉइंट का मैं लॉस कर सकता हूं नाउ इफ एनी पर्सन हु हैज ओनली कैपेसिटी ऑफ यू नो 50 पॉइंट सॉरी uh, 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स उतना ही लॉस लेने की जिसके अंदर शक्ति है वो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे कर पाएगा अब यहाँ से और एक चीज जन्म लेती है अब मैं क्यों दस बीस पॉइंट में ही मैं 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 लॉस लॉस कर कर पाता हूं बड़ा क्यों एक्सेप्ट नहीं पाता बिकॉज ऑफ द कैपिटल मेरा कैपिटल मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा लॉस ले पाऊं क्योंकि इफ यू नो आई टेक बिगर लॉसिस प्रोबेबिलिटी दैट आई बी द मार्केट अगर मान लीजिए पचास हजार मेरा कैपिटल है तो मैं पांच सौ रुपए का मैं रिस्क ले सकूंगा हजार रुपए का रिस्क ले सकूंगा लेकिन निफ्टी में दो सौ पांच सौ पॉइंट का मैं रिस्क मैं नहीं ले सकता तो अगेन यहाँ से ये चीज समझ में आती है दैट व्हाई पीपल आर ट्रेडिंग इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम बिकॉज दे फाइंड कंफर्टेबल वेन दिस टॉप लॉस ऑफ टेन टू फिफ्टीन पॉइंट हेड्स नाउ अगेन सवाल ये है कि 10-20 पॉइंट से क्यों ऐसा उनको लगता है कि भाई मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ बिकॉज ऑफ द कैपिटल इज लो तो अब यहाँ पे जड़ समझ में आ गई स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस हासिल करना है तो सबसे पहले आपको हायर स्विंग देखने पड़ेंगे क्यों क्योंकि एज यू मूव योर स्विंग साइज आप यहाँ पे ट्रैप को रिड्यूस करोगे एंड योर विनिंग प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज एक अब

कोई भी ये जितने भी सारे रीजन है ये बाह्य रीजन है दिस आर द एक्सटर्नल रीजन जो इंटरनल और मेजर और जो कोर रीजन है वो है इन एडिकुएट कैपिटल हमारे पास 25 50000 लाख रुपए आ गए और उस पैसे को हम स्टॉक मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं और उस स्टॉक को ग्रो करना चाहते हैं लेकिन वो ग्रो करने के लिए हमने जो तरीका अपनाया वो हमने लेवरेज वाला अपनाया राइट नाउ दैट कम्स टू अ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि कैपिटल कम है राइट तो फ्यूचर ट्रेडिंग तो करना नहीं है और राइट लेकिन आपके कम कैपिटल में भी आपको लिवरेज दिया जाता है तो लिवरेज सबसे पहले तो कम कैपिटल ये आपका दुश्मन है कम कैपिटल से भी जो बड़ा दुश्मन है वो है लिवरेज

तो बीस लाख के कॉन्ट्रैक्ट को आप पचास हजार रुपए में ट्रेड करना चाहते हैं बेस्ड लिवरेज तो अब यहाँ पे रियल आंसर ये निकल के आता है कि स्टॉक मार्केट में जो भी हम लॉसेस करते हैं उसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज इन एडुकेट कैपिटल एंड टेकिंग द लिवरेज राइट जस्ट राइट बी बल्ब ऑन थ्री जस्ट राइट बी ओ थ्री एवरी कैन यू ऑल जस्ट राइट बी ओ थ्री

हमारी जो समझ है अगर इसको हमने सही कर लिया तो फिर स्टॉक मार्केट में आपके जेब में से कोई भी एक पैसा भी नहीं लेके जा सकता रुपया तो छोड़ दीजिए एक पैसा भी कोई आपके जेब में से लेके नहीं जा सकता राइट सो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ दैट कम्स टू एंड ऑफ अ पॉइंट नंबर वन नाउ आज मुझे लगता है कि इस सेशन में ये जो पॉइंट नंबर वन है ये इनफ है अगला जो हमारा सेशन होगा उस सेशन के अंदर मैं अगले पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट संडे विल बी मच मोर बिगर आज क्योंकि आ, मुझे किसी जगह पे अर्जेंटली मुझे पहुंचना है इसके लिए आज ये सेशन को मैं यहीं पर मैं समाप्त करता हूं आपको एक काम करना है आपको एक काम ये करना है कि ये सेशन के बाद राइट आपको जो लगे आपको लगता है कि अगर ये सेशन अगर मैंने अच्छा मैंने किया मैंने आपको जो समझाया अगर आपको लगता है कि ये मैंने आपको अच्छा समझाया देन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू यू हैव टू गिव मी फाइव स्टार राइट कैन यू ऑल गिव मी फाइव स्टार रेटिंग और ये फाइव स्टार रेटिंग देने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है आपको एम आई टी यू एल डॉट पी आर ओ स्लैश फाइव स्टार राइट right, आपको यहाँ पे जाना है और आप यहाँ पे जाके मुझे फाइव स्टार यहाँ पे अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो आज का सेशन मैं जल्दी में फिनिश कर रहा हूँ लास्ट वन मंथ अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ एंड ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी मुझे एनर्जी दे रहा है एंड मोर देन टॉपिक आई वुड से आप सारे लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं आपकी एनर्जी से मुझे शक्ति मिल रही है तो अगले सेशन में जब हम मिलेंगे अगले रविवार को हम मिलेंगे तो आज के सेशन से बड़ा हमारा सेशन होगा इतना छोटा नहीं होगा हम ज़्यादा समय देंगे एंड मोर देन ज़्यादा समय हम वहां पे और डिटेल में देखेंगे केस स्टडी करेंगे और आई इंसिस्ट ऑल ऑफ यू कि आज के सेशन में जो हमने देखा सुना जाना समझा उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी तो आज के सेशन में आप लोग आए जुड़े मुझसे मिले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आई एम गोइंग टू सी ऑल ऑफ इन द नेक्स्ट सेशन टेक केयर ऑफ योर हार्ड एंड मनी एंड जय हिंद